क्योंकि प्रोसिक्यूशन कोई सबूत सामने नहीं ला पाया। कोर्ट डिफेंस की बात मानने पर मजबूर है। ठोस सबूत ना होने के कारण ये केस खारिज किया जाता है। अपने सारे सर्टिफिकेट हमारे वजीफा सब जला दीजिए। अपने कारण आपको ही सबसे मिस्टर देसाई, थैंक यू सो मच। आज आपने फिर प्रूव कर दिया कि यू आर द बेस्ट। वीडियो किधर है? हम जानत है वीडियो अपने आप गायब नहीं हो सकता है। वो कहाँ है हम जानत है? आपको चुकी है सही बात से। बताइए वीडियो कहाँ है, बोलिए। क्या कर रही है? टच माय डॉटर, तेरे हाथ तोड़ दूंगी मैं। क्या कर रही हो? संभालो खुद को। संभाल कर रखो अपनी नौकरानी को। शांत हो जाइए प्लीज अनु जी। हमका तो ये वकील पैसा खाए। हाँ, यह जो है कलिनी के साथ प्रेम रचाई के सब गुड़ गोबर कर दी सर। ए वकील, काहे की इसो सब गड़बड़ाए? ये अब क्या कह रही है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं भी तो केस हारा हूं ना। इमली, तुमको भी मुझ में भरोसा नहीं है क्या? हाँ क्या, वीडियो किधर है? ऐसा अपने आप गायब कैसे हो सकता है? घर में हमरे और बाबू साहब के अलावा कोनो कैमरा को हाथ भी नहीं लगाया है। कौन डिलीट केस है? हम वीडियो हमने डिलीट किया। नहीं, आप डिलीट नहीं कर सके थे बाबू साहब। आप वो डिलीट काहे करिए? उस रात जो कुछ भी हुआ वो मिसेस चतुर्वेदी ने किया था। और हम मालिनी को सजा नहीं दिला सकते। अब क्यों फोन किया है आपने? हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। आदित्य प्लीज प्लीज प्लीज, मैं जानती हूँ आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। पता नहीं आपको क्या लग रहा है, उस रात क्या हुआ था मुझे नहीं पता। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे? पर सच तो यह है कि सच मुझे भी अभी पता चला है। क्या मतलब है आपका? आई नो आप मुझसे मिलना भी नहीं चाहते, मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, पर प्लीज एक बार प्लीज मुझसे मिलने आ जाइए आदित्य। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, सब कुछ। अब आगे जो होगा वो मैं करूंगी, डोंट वरी बेटा। अब आप ऐसी कौन सी सफाई देंगी हैं कि हम आप पर विश्वास कर पाए? आदित्य, मालिनी सफाई क्यों देगी? उसकी कोई गलती ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ है इस कैमरा में रिकॉर्डेड है और हम सब कुछ देख चुके हैं। जो तुमने देखा है वो पूरा सच नहीं है। सच तो ये है कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को मैंने ड्रग किया था। सिर्फ तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को ही नहीं बल्कि मालिनी को भी नशे की दवा मैंने ही दी थी।
उस रात जैसे तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, वैसे ही मालिनी को भी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन मेरी बेटी ने तो सिर्फ वही किया जो मैंने उसे कहा, क्योंकि उस रात मैंने अपनी बच्ची से कहा था कि वो जन्माष्टमी की रात नहीं, तुम्हारे हनीमून की रात है। आदित्य, उस रात जो कुछ भी हो उसके जिम्मेदार न तुम हो ना मेरी बच्ची, उसके जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। And I'm sorry. क्या कहते आप? हम मालिनी को सजा नहीं दिला सकते। बस बस बस। बाबू साहेब, आप खुद पत्रकार हैं, सच खोजकर निकालना आपसे बेहतर कौन जाना था, तो फिर आपके आंखों पर कौन सी पट्टी पड़ गई और कई सच? और कैसे बताएं हम आपको कि मालिनी दीदी अपराधी है? हम खुद आपको बोले नहीं कि मालिनी दीदी और उनकी अम्मा को नशे की दवाई मिलाते हुए हम देखे, आप नहीं माने, लेकिन सबूत आप अपनी आंखों से देख रहे। सच देखकर अंधे का कैसे कर सकते? और ये लोग आपसे ऐसे क्या बोल दीजिए कि आपको सबूत पर नहीं, आपको हम पर नहीं, आपको सिर्फ ही पर भरोसा है? बोलिए क्या बोल दी थे? इमलिया, इमलिया थोड़ी रुक जा। नहीं अम्मा, आज हम बोलिए। अबू साहेब, इंग्लिश मैडम सारा इल्जाम आपन से लिए है। कौन अम्मा नहीं चाहिए क्योंकि बिटिया जेल जाए, लेकिन आज तक जॉन को जो है ना, सब इन दोनों की मिली भगत रही। हम क्या करें, कैसे बताएं, आप बताइए कैसे समझाएं हम आपको? अब साहब, अगर कोनो और होती ना तो तब ही घर छोड़ के चली जाती रही, पर हम वापस आए, हम वापस आए ही साबित करने खातिर कि आपके साथ गलत हुआ है, वापस आए ही साबित करने खातिर कि आपका कोनो दोस्त सही है, हम वापस आए ही साबित करने खातिर कि हम अभी भी आपसे प्रेम करें। अब साहब, पूरा जॉन को छुआ आप होश नहीं रहे, पर आज आप जॉन की ही से पूरे होश में के आप जानबूझकर धोखा दिए सब, अब विश्वासघात की से हमारे साथ। कहा 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 सुने, ये ना कि इंग्लिश मैडम दोषी है? ठीक है, सुन लीजिए, सजा दिलवाइए इनका, गिरफ्तार करवाइए इनका। What nonsense, क्या बकवास कर रही है तू? किसी जी अपराध हुआ है, जॉन अपराध की ही से उसका सजा मिले के चाहिए, अब अभी के अभी के खिलाफ केस फाइल करी। भूल जाओ इस बात को इमली, भूल जाए, अब भूल जाए कि हमने पति का फायदा उठाया गया और हमारे पति अभी भी अपराधियों का साथ दे। बाबू साहब, आपको काहे नहीं दिक्कत है कि मालिनी दीदी बदल गई है? इस सब कुछ की साजिश नहीं, साजिश मिसेस चतुर्वेदी ने की थी। लेकिन उसके लिए वो जेल जाए या ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी की घटिया हरकत की सजा हम सबको काटनी होगी। मालिनी को क्या? कौन सी सजा? और इनके ऊपर कौन सा आसमान टूट पड़ा है कि आपको इतनी हमदर्दी है इनके खाते? आई एम प्रेग्नेंट इमली, आई एम प्रेग्नेंट इमली। Thank you.
मैं आदित्य के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं आदित्य के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं आदित्य के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे भी अभी पता चला, कल मैं बेहोश हो गई थी तो डॉक्टर के पास गई थी, तभी उन्होंने बताया। हाँ जी, क्या ये सच है? तुम बाप बनने वाला है मालिनी? मैं तो सिर्फ इतना समझ पा रहा हूं कि गलती किसी की भी हो, अपराध किसी ने भी किया हो, सजा ये परिवार भुगतेगा। और तुमसे मैं क्या कहूंगा जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे और मेरे परिवार को ये दिन भी देखना पड़ेगा। पापा प्लीज, उनकी कोई गलती नहीं है। तो तुम कह रही हो कि गलती तुम्हारी माँ की है? इमली, अब क्या कहना चाहता है आदि? तू तो ऑलरेडी बोल चुका है जो तुझे बोलना था। आज तूने खुद के साथ नहीं, इमली के साथ बहुत बुरा किया है भाई, बहुत बुरा। क्या हुआ तेरे उसूलों का? मुंह क्यों छुपा रहा है? जवाब देना मेरे सवालों का। अपर्णा जी, मिस्टर त्रिपाठी, मैं जानती हूं कि जो भी मैंने किया है वो बहुत गलत किया है, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं आप दोनों से गुजारिश करती हूं कि जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए। फिलहाल मालिनी आदित्य का बेबी कैरी कर रही है, इसे भगवान की मर्जी मानकर मालिनी और इस बच्चे को अपना लीजिए। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, जाने की देखने की हिम्मत नहीं हो रही है। नतीजा चाहे कुछ भी हो, हार तो मेरी एक बेटी की होगी। हाय देव। क्या हुआ? अंदर क्या हुआ? तुम खुश क्यों लग रही हो? नौकरानी का केस डिसमिस हो गया, और क्या हुआ? इमली ठीक है, मालू ठीक है, और आदित्य के परिवार वालों को जब प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था? ओह कम ऑन देव, मालू क्या? फाइनली सारी दुनिया ठीक है, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे कि मैंने प्लान किया था। अब हमारी मालिनी आदित्य के साथ रहेगी, आदित्य के ही घर में। What is wrong with you? कैसी औरत हो? एक
एक मासूम बच्ची की गृहस्थी को आग लगा के खुश हो रही हो तुम? हाँ मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ अपनी बेटी की जीत पे, मैं खुश हूँ आपकी नाजायज औलाद की हार पे, और मैं खुश हूँ अपनी बेटी की प्रेगनेंसी पे। अगर दुखी रहना है तो आप ही रहिए। आदित्य, आदित्य के पूरे परिवार को दुखी करके तुम खुशियां बना रही हो। यू नो व्हाट अनु, तुम्हें अपनी किए की सजा जरूर मिलेगी। श्योर श्योर, फिलहाल आप गाड़ी चलाइए, चलिए। जी गाड़ी के बाहर आइए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? प्लीज गाड़ी के बाहर आइए आप। इंस्पेक्टर क्या बात है, क्या हुआ है? आपकी शिकायत है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। चलो थाने। ऐसे कैसे चलो थाने, और किस बात के लिए अरेस्ट कर रहे हैं आप मुझे? उसी जुर्म के लिए जो अभी अभी आपने सबके सामने कन्फेस किया। मालनी को तो उसके किए की सजा दिलवा नहीं पाया, लेकिन आपको जेल की हवा जरूर खिलवाऊंगा। मिसेस चतुर्वेदी, ये खातिरदारी सिर्फ इमली की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से भी। हैव अ गुड टाइम इन जेल। ऑफिसर अरेस्ट करिए ना। चलो। व्हाट? छोड़ो मुझे, लीव। देव, देसाई को कॉल कीजिए राइट नाउ। छोड़ो मैंने कहा। नहीं। व्हाट? नहीं। Are you crazy? ये मुझे जेल में डाल देंगे। हाँ तो जाओ, जेल जाओ। हवालात की हवा खा के शायद अकड़ कम होगी और शायद दिमाग भी ठिकाने आएगा। What's wrong with you? चलो ले चलो। ऑफिसर मेरी बात तो सुनिए। देव, listen, call Desai. देव, कुनाल, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे अभी अभी तो हमें इतनी अच्छी खबर मिली है, हमारे घर में पोता या पोती आने वाला है, हमें तो खुश होना चाहिए ना। और किसी के लिए ना सही तो उस आने वाली नन्ही सी जान के लिए नाराजगी छोड़ दीजिए। क्यों इतना नाराज है आप? मैं आने वाली खुशी से नहीं, आपसे नाराज हुआ पंडित जी। मुझसे? मैं आपसे नाराज हूँ क्योंकि आप नाराज नहीं हुई। मालिनी की हरकत पर नाराज नहीं हुई, उसकी माँ की बेशर्मी पर नाराज नहीं हुई, आदि की वीडियो डिलीट करने पर नाराज नहीं हुई, मिली के साथ जो धोखा हुआ उससे नाराज नहीं हुई। अरे आप मेरी पत्नी है या आज तक मैं किसी और के साथ रह रहा था पंडा जी? पंडा जी आप ऐसा मानता हूं, मैं मानता हूं कि आदि और इमली की शादी जिस तरह से हुई है वो गलत था, लेकिन इस बच्ची को इस दुनिया में लाने के लिए जो साजिश हुई है क्या वो सही है पंडा जी? आपने इमली को कभी अपनी बहू नहीं माना, लेकिन इस बच्चे को अपना पोता या पोती मानने के लिए खुशी खुशी तैयार है, ये कहां का इंसाफ है पंडा जी? आदि और इमली के साथ में उन दोनों की मर्जी तो थी, लेकिन उस रात आदित्य और मालनी के बीच जो हुआ उसमें ना तो आदि की मर्जी थी और अनु जी का कहना माने तो मालनी की भी नहीं, तो ये रिश्ता जायज कैसे हो सकता है आपके लिए? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।